देख रहे हैं पुलिस की आवाज न्यूज, क्राइम का खुलासा। चिटफंड कंपनी से लोगों के पैसे वापसी। चिटफंड कंपनी के सैकड़ों एजेंट पहुंचे कलेक्टोरेट। एजेंटों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर डॉक्यूमेंट जमा करने की तिथि बढ़ाने की मांग की गई। छत्तीसगढ़ शासन के निर्देशानुसार चिटफंड कंपनी में निवेश किए गए निवेशकों का धन वापसी के लिए डॉक्यूमेंट जमा करवाए जा रहे हैं, जिस पर निवेशक व चिटफंड कंपनी के एजेंटों ने तिथि बढ़ाए जाने को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। बेमेतरा जिले के अनेक स्थानों से सैकड़ों एजेंट कलेक्टोरेट पहुंचे थे। सभी एजेंटों ने कलेक्टर को एक आवेदन सौंपा है। आवेदन में उन्होंने कहा है कि चिटफंड कंपनी के ब्रांड व रसीद की कॉपी को जमा करने की तिथि को आगे बढ़ाए जाने की मांग की गई है, क्योंकि कोरोना से कुछ एजेंटों की मौत हो गई है और कई लोग बाहर हैं। इतने कम समय में सबका कागजात जमा कर पाना संभव नहीं है। वहीं उनके आवेदन पर डिप्टी कलेक्टर प्रवीण तिवारी ने कहा कि तिथि बढ़ाए जाने के संबंध में उच्च अधिकारियों को सूचित किया जाएगा और उनके मार्गदर्शन पर आवेदकों को जानकारी दी जाएगी। वीरेंद्र साहू, क्या बात लेकर के आए हैं यहाँ पास? निवेशकों की वापसी के लिए शासन से एक आदेशित किया गया है कि जो भी चिटफंड में निवेशक हैं उनका पैसा वापस शासन द्वारा आदेशित किया हुआ है कि जो भी फॉर्मेलिटी है, जितने भी डिटेल्स हैं, उसको जमा कराया जाए और जमा कराने के बाद निवेशकों के पैसे की वापसी के लिए कार्रवाई जो करनी थी वो चालू हो चुका है और शासन प्रशासन जैसे तैसे करके कर रहे हैं उसके। तो यहाँ पास एक समय आदेशित किया गया था कि 2 तारीख से 6 तारीख तक सभी डॉक्यूमेंट्स को जमा करना है करके। तो निवेशक हो और हमारे एजेंट सभी जितने भी हैं, इतना पॉसिबल नहीं कि वो 4 दिन में सभी डॉक्यूमेंट जमा कर पाए। तो उस समय अवधि को बढ़ाने के लिए हम लोग सभी सैकड़ों के लोग यहाँ पास आए हुए हैं कि वो जो 2 तारीख से 6 तारीख का जो समय अवधि है उसको बढ़ाया जाएगा, जिसमें जितने भी निवेशक हैं उनका डॉक्यूमेंट है, बॉन्ड पेपर है और कई कोविड के नाम से कुछ लोगों के डेथ भी हो गया है तो उनको डेथ सर्टिफिकेट लेने में भी थोड़ा सा समय लगेगा। क्यों तो पॉसिबल नहीं है कि 4 दिन में सब हो जाए। तो इसी नाम से सभी ब्लॉक बेमेतरा जितने भी ब्लॉक हैं सब पदाधिकारी और कुछ निवेशक आए हुए हैं समय अवधि को बढ़ाने के नाम से। क्या नाम है आपका? राम ध्यान साहू। कैसे कलेक्टोरेट आए हैं, पूरी बात बताएं। हम लोग एक निवेशक है, चिट फंड में हमारा पैसा लगा हुआ है और शासन की एक पहल चल रही है कि एक फॉर्मेट निकाला हुआ है शासन और उसमें हम लोगों का दस्तावेज मंगा रहे हैं, बॉन्ड की छाया प्रति, आधार कार्ड वगैरह, जो पासबुक बैंक वगैरह है उसकी, मतलब यहाँ हम लोग जानकारी कलेक्टर में आए हैं क्योंकि हम लोगों का उसका फॉर्मेट नहीं मिला था। आज उसी के संदर्भ में आए हैं कि हम लोगों का 2 तारीख से 6 तारीख हम लोगों का समय दे रहा है। तो हमारा कहना है शासन प्रशासन से हमको 1 महीने का पूरा समय दिया जाए, क्योंकि हमारा ग्राहक भी है, क्योंकि हम एजेंट भी हैं और हमारा 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर की दूरी है और हमारा 100-200 ग्राहक है। तो हम 2-4 दिन में जमा नहीं कर सकते, तो हम यहाँ कलेक्टर में एक ज्ञापन दिए हैं समय अवधि को बढ़ाने के लिए। सर, चिट फंड मामले में आवेदन दिया गया सर? वो आवेदन प्राप्त हुआ है, उसमें समय अवधि कम लोगों द्वारा बताया गया है, उस समय अवधि को बढ़ाने की मांग की गई है। तो हमारे वरिष्ठ उच्च अधिकारियों से मार्गदर्शन लेके उचित कार्रवाई की जाएगी और उनको सूचना दी जाएगी।